माय गुडनेस को फ्रीली सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना समर स्पेशल स्वेट प्रूफ मेकअप लुक विद सम टिप्स। सो प्लीज गाइस, लेट्स मैं शेयर करूंगी कि आज मैं किन प्रोडक्ट्स का करूंगी यूज। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी ये ग्लैम कॉम के फेस प्राइमर का, देन मैं यूज करूंगी ये मिस क्लेयर की लिक्विड फाउंडेशन का, और मेरा शेड है नेचुरल बेज। और मैं यूज करूंगी लेक्मे सीसी क्रीम का भी, और मैं यूज करूंगी एज ए हाइलाइटर और ब्लश ये ग्लो मेनिया के लिक्विड इल्यूमिनेटर का, और मैं मेबलिन का वाटरप्रूफ करूंगी मस्कारा यूज। और लिप्स के लिए यूज करने जा रही हूँ ये एडीएस प्रो की लिक्विड लिपस्टिक का, और इसका शेड है 02। और मैं यूज करूंगी ये चार्मिंग मास्क के डबल पेन का, यानी कि ब्लैक स्केच आईलाइनर का। और मैं यूज करूंगी लेक्मे सन एक्सपर्ट अल्ट्रा मैट कॉम्पैक्ट पाउडर का, और मैं मिस गोल्ड 18 कलर आई शेडो पैलेट का भी करूंगी यूज। तो इन सभी प्रोडक्ट का प्राइस मैंने कर दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन, तो प्लीज वहां से कर लें जरूर चेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप ट्यूटोरियल, सो प्लीज गाइस कीप वॉचिंग। तो समर मेकअप करने से पहले जरूरी है फेस पे प्राइमर को अप्लाई करना। तो ये ग्लैम कॉम का ऑयल कंट्रोल लॉन्ग लास्टिंग है प्राइमर, जिसका SPF भी 15 है, जो आपको हार्मफुल सनरे से भी करेगा प्रोटेक्ट। तो आप मेकअप स्टार्ट करने से पहले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समर्स में फेस पे प्राइमर को अप्लाई करना, ताकि आपका जो मेकअप है वो स्वेट प्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। तो आप टी जोन एरिया पे अच्छी तरह से प्राइमर को कर लें अप्लाई। देन मैं अप्लाई करने जा रही हूँ ये लेक्मे की सीसी क्रीम को अपनी आईज़ के ऊपर। तो देन इसके बाद मैं करूँगी इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड, ताकि आप बाद में जो भी आई शेडो अप्लाई करो इसके ऊपर वो अच्छी से सेटल डाउन हो जाए और बाद में ग्रीसी ना दिखे। तो समर्स के लिए बेस्ट है कि आप इस तरह से लेक्मे सीसी क्रीम को भी एज ए आई प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लाइट शेड ही यूज़ कर रही हूँ अपने पैलेट में से। समर्स में मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि आपको डार्क आई शेडो अवॉइड करने चाहिए, जस्ट लाइट शेड ही यूज़ करने चाहिए। और अपनी आईज़ को ब्राइटर और फ्रेश बनाने के लिए अच्छा ऑप्शन है आप इस तरह के बेज कलर का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको पूरी आईलिड के ऊपर कर लूँगी ब्लेंड। देन मैं अप्लाई करने जा रही हूँ मिस क्लेयर की फाउंडेशन को। तो ये फाउंडेशन आपको देगी एकदम से मैट लुक। तो मैं जस्ट दो पम्प्स ही लूँगी इस फाउंडेशन के, क्योंकि मैं जस्ट डार्क स्पॉट्स पे, जहाँ पे डार्क स्पॉट्स हैं वहीं पे ही अप्लाई करूँगी फाउंडेशन को। समर्स में मैं यही सजेस्ट करती हूँ, कभी भी पूरे फेस के ऊपर आपको फाउंडेशन नहीं अप्लाई करनी चाहिए। इसीलिए मैं यही कहती हूँ कि आप वही फाउंडेशन चूज़ करें जिसकी कवरेज अच्छी हो, जो आपके डार्क स्पॉट्स को हाइड कर दें और आपको सेपरेट कंसीलर अप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए समर्स में आपको कम से कम मेकअप ही फेस पे अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपके फेस को स्वेट की ऑयल की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो इसीलिए मैंने मिस क्लेयर की फाउंडेशन को चूज़ किया है, जिसकी कवरेज भी अच्छी है और ये आपको देगी एकदम से मैट लुक, क्योंकि इसको अप्लाई करने के बाद आपको स्वेट की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती। देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प के साथ कर दूँगी इसको ब्लेंड, और जिससे आपको मिलेगा एकदम से मैट लुक। अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ ये लेक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर, जिसका SPF है 40, क्योंकि मैं सेपरेट सनस्क्रीन का यूज़ नहीं कर रही हूँ इस मेकअप ट्यूटोरियल में। मैं वही प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जिसमें ऑलरेडी SPF हो, ताकि मुझे सेपरेट सनस्क्रीन की ज़रूरत ना पड़े और मुझे मिले सन की हार्मफुल रे से भी प्रोटेक्शन। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये लेक्मे का कॉम्पैक्ट, जिसका SPF है 40। देन मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्केच आईलाइनर का। तो ये टू साइडेड ब्लैक कलर का स्केच आईलाइनर है, एक साइड इसकी पतली है, एक साइड इसकी मोटी है। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ पहले आप जो इसकी थिन साइड है उसकी हेल्प के साथ अच्छी तरह से कर लें आप ड्रॉ लाइन। देन मैं ड्रॉ करूँगी विंग्ड लाइन। तो जितना आपको आपको थिक आईलाइनर चाहिए, तो आप दूसरी साइड इस स्केच आईलाइनर की यूज़ कर सकते हो। तो मैं यूज़ कर रही हूँ डबल विंग्ड आईलाइनर को, मैं कर रही हूँ अप्लाई स्केच आईलाइनर के साथ। तो मैं काजल नहीं यूज़ करूँगी, जस्ट मैं डबल विंग्ड ही आईलाइनर करूँगी, ड्रॉ करूँगी। तो मैं समर्स के लिए यही टिप देती हूँ कि आपको स्केच आईलाइनर ही यूज़ करने चाहिए, आपको काजल का यूज़ नहीं करना चाहिए अपने ना तो अपर लैश लाइन पे ना ही लोअर लैश लाइन पे। तो बेस्ट रहते हैं स्केच आईलाइनर। तो आप इस तरह से डबल विंग ड्रॉ कर लें, नीचे वाली विंग आपने थोड़ी सी लंबी रखनी है ऊपर वाली विंग से। तो ये काफ़ी अच्छा लुक है ये आईलाइनर का। तो मैं यही टिप देती हूँ कि आप इस तरह से स्केच आईलाइनर का यूज़ करें। देन मैं यूज़ करूँगी लिक्विड लिपस्टिक को। तो लिक्विड लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी,
तो ये बेस्ट है और ये शेड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आपको इस तरह के शेड यूज़ करने चाहिए समर्स में। और अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ वाटरप्रूफ मेबलिन का मस्कारा, ताकि आप अगर अपनी आईज़ को भी गलती से रब भी करते हो, अगर आपको सट की प्रॉब्लम भी हो जाती है और आपका मस्कारा ना फैले, इसीलिए आप वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करें। तो मैं अब यूज़ करूँगी ये लिक्विड हाइलाइटर का, एज ए ब्लश कह सकते हो, एज ए हाइलाइटर, क्योंकि इसका शेड हल्का सा पिंक पीची सा है। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अपनी चीक बोन के ऊपर। तो समर्स में आपको इस तरह के लिक्विड हाइलाइटर और ब्लश ही यूज़ करने चाहिए, क्रीम बेस को करना चाहिए अवॉइड। तो इसी के साथ मेरा हो गया मेकअप कंप्लीट। तो समर्स के लिए बेस्ट है हेयर डू हाई बन। तो ये हो गया मेरा स्वेट प्रूफ समर मेकअप।